हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम पर यह बड़ा अनुग्रह किया, आज का दिन हमें दिया है। प्रियो, आवाज उठाकर उसको धन्यवाद दें। प्रभु, आपने मुझे आज की सुबह दिखाई, आज दिन तक जीवित रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। पिछले दिनों में प्रभु तो मेरे लिए भला रहा है, हम धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर कहिए, वो प्रभु भला रहा, इसीलिए हमको प्रभु मिला है और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। तेरा प्रेम असीम अपार है, तेरी दया अति महान है। तूने अपने वचन के अनुसार मुझ पर और हम सब पर अनुग्रह किया और खोए हुए में से हमको यहाँ पर लाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं प्रभु। आज सुबह में मेरे लिए और हम सब के लिए हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु, यद्यपि तू हमारे पापों को माफ करता, हमें धोता और शुद्ध किया है प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम अधूरे हैं, हम पापी हैं, हमने स्वभाव विचार कार्यों से पाप किए हैं। आप मुझे और हम सबको प्रभु आज तेरी उपस्थिति में धो और शुद्ध कर। हम हर रोज दिन ब दिन तुझ जैसा होते जाए प्रभु, जैसा तू है वैसा हम हमारे चाल चलन में, चरित्र में, बोली में, व्यवहार में, सोच में हम बनते जाए, ऐसा हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस संगति के विरुद्ध, तेरे लोगों के विरुद्ध शैतान की हर एक युक्तियां हम तुझे यीशु के लहू में बांधते हैं और यीशु मसीह के नाम में उसे निष्फल जाहिर करते हैं। पूरी कलीसिया मिलकर बोले आमीन। शैतान की सारी युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम में निष्फल करते हैं, हर एक के जीवन से निष्फल करते हैं, हर एक विश्वासी के जीवन से निष्फल करते हैं, हर एक सेवकों के परिवार से निष्फल करते हैं। आप बोलिए, मैं मेरे जीवन से, मेरे परिवार से शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में निष्फल करता हूँ। प्रभु, आज तेरी उपस्थिति में हमारी प्रार्थना है कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। पूरी कलीसिया बोले प्रभु, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तू बढ़े, मैं घटूं, तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी ही महिमा हो। हम सारा आदर मान आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बाइबल लाए हैं? मोबाइल बाइबल नहीं, अपना बाइबल निकालिए, इफिसियो उसका पहला अध्याय, उसकी कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें दी है। बोलिए, सब प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, बोलिए, दी है। yes. नहीं, आपको मिली है? yes. सच में? yes. बस मिली है। अगर आपने हाँ कहा है तो आपके मुंह बनना रहना चाहिए। परमेश्वर को पूरे दिल से आप आराधना देंगे। आगे वचन कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आगे सातवीं आयत कहती है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा
उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। उसने अपने अनुग्रह के धन से हमें खोज निकाला है, उसने अपने अनुग्रह के धन से हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने अपने अनुग्रह के धन से हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। हालेलुया। कोई भी अछूता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम में से हर एक को उसकी आशीषों का भागी बनाया है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु को महिमा देते हुए पूरे दिल से कहेंगे, सारा आदर सिर्फ तुझको मैं दूं, सारी महिमा सिर्फ तुझको मैं दूं। वो बदला नहीं है। आइए हम उसको सारा आदर सारी महिमा दे,
वो मिट्टी से हीरा बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके जीवन को क्या नहीं बना सकता? उसको आदर दीजिए, उसको महिमा दीजिए, वो ही सारी आदर और महिमा के योग्य है। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
वो मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी कहता है, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उसकी नजरों में सब समान है। अगर कोई कहता है मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में एक ही बात कहूंगी, वो प्रेम है, वो हम सबसे प्यार करता है। आइए अपने हाथों को उठाकर कहिए, क्या है हम तेरे बिना, सब कुछ तूने दिया है, इस अंधेरी जिंदगी को उजियाला तूने दिया है। हालेलुया। कुछ है तूने दिया इस अंधेरी जिंदगी में, उजियाला तूने दिया। क्या है तेरे बिना, सब कुछ है तू। खुशी है, उसने हमको नई दृष्टि दी है,
उसमें हम नई सृष्टि है। वो ही हमारी सांस है, वो ही हमारी रोटी है, वो ही प्यास से दिल का पानी है। जीवन तेरे बिना कुछ भी नहीं है। We worship you, we worship you, we worship you, Jesus। प्रभु तो मेरे हालातों को जानता था, जब मैं गिरा हुआ था, जब मैं पाप में था, जब मैं नाश की ओर बढ़ रहा था, तब तूने मुझे पकड़ा, तब तूने मुझे छुआ, तब तूने मुझे गले लगाया, तब तूने मेरे जीवन को बदला प्रभु, मेरे पाप को क्षमा किया, मिट्टी से तूने मुझे उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया।
कुछ है मेरे लिए। आज यहाँ पर कोई कहना चाहता है, यीशु तू मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सारी योजनाएं फेल हो गई हो, लेकिन यीशु तेरी योजना कभी फेल नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर जब इसराइलियों को लाल समुद्र से ले जा रहा था, मिश्र से निकाला, लाल समुद्र की ओर ले गया, उसने इसराइलियों के लिए लाल समुद्र के बाद इसलिए किए, और बाइबल में इसीलिए लिखा गया, ताकि परमेश्वर आपको बताए कि मैं आपके लिए समुद्र के भी दो भाग कर सकता हूँ। हालेलुया। आपके लिए रुकावट है, परमेश्वर समुद्र के बीच से आपके लिए मार्ग कर सकता है, मार्ग करेगा, जो विश्वास करते हैं वो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको मरुस्थल में से ले गया, रेगिस्तान में से ले गया, जहां पर पानी नहीं था। जब उनको प्यास लगी, मरुस्थल रेगिस्तान में से भी उनके लिए जल के सोते निकाले। वो ये बताना चाहता है, बेटा जब भी तेरी जरूरत होगी, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है। आप विश्वास करोगे? अपनी समस्याएं भूल जाइए, उसके सामने यीशु मसीह में कोई समस्या समस्या नहीं है, वो ही महिमा के योग्य है। हम प्रभु तेरे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत कार्य को जब हम याद करते हैं, हमारे मन एक नई आशा से भर जाता है कि प्रभु हमारे लिए कुछ भी असंभव हो सकता है, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सृष्टि भी तेरा कहना मानती है। हम धन्यवाद करते हैं, ताली बजा कर उसको धन्यवाद दीजिए, ताली बजा कर कहिए, यीशु धन्यवाद। We worship you, we worship you। कहिए, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। खत्म नहीं हो रहा था, तो लास्ट टू लास्ट वीक हम चेक कराने के लिए गए थे, तो जब हॉस्पिटल में जा रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये 6 महीने से, और मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन चिंता होने से पहले मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जो बीमारी हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकती, वो प्रभु तेरे दर पे ठीक होती है, और मैं हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रही हूँ। सच में प्रियो, मेरे प्रभु से यही बोला, प्रभु मेरा हॉस्पिटल में पैसा व्यर्थ नहीं होना चाहिए, जो कहीं ठीक नहीं हो सकता उसे तू ठीक करता है, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, तो तू मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकता। और सच में मेरा पूरा ये भाग, जब मेरे विश्वास से बोला कि प्रभु मैं अपनी पैसा हॉस्पिटल में नहीं दे सकती, तुझे ही मुझे चंगा करना होगा,
और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। वो अद्भुत और महान परमेश्वर है। आइए हम मिलकर के ये गीत गाएंगे, आराधना परिशुद्ध की करते अर्पण धन्यवाद बलि, सर्वस्तुति के योग्य है जो ईशु की। आप थक गए हैं? थक गए हो तो अगर कोई बीमार हो तो बैठ सकता है, बाकी हम मिलकर आनंद से प्रभु को आराधना देंगे, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, उसके जैसा प्यार हमको और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। माता भी ऐसी परिस्थितियां और समय आए तो अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़कर जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो सर्वदा हमारे साथ है। अब प्रभु को पकड़ लीजिए, वो भला है, वो प्यार करता है, उसके प्यार में कोई पक्षपात नहीं, उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, उसके प्यार में ऐसी कोई भी सांसारिक बात नहीं, पर उसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है, अपना श्वास मुझ में फूका, आप में फूका है, हम उसके रूप और समानता में बनाए गए हैं, हम उसके लोग हैं, इसीलिए वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा, कुर्बान अपनी जान मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं, अब मेरी जिंदगी
कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, प्रभु आपके साथ है, प्रभु का प्यार आपके साथ है। अपना कोई है कर सकता। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार सीम पा, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार। दुनिया का प्रेम निष्फल जा सकता है, मां का प्रेम भी निष्फल हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी निष्फल नहीं है। इसी प्यार ने कर दिया मुझे प्रभु। तू दयालु है, तू पक्षपाती नहीं है, तू मुझसे और हम सबसे एक सा प्रेम करता है। तूने कभी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं किया, लेकिन तू मुझसे अनंत प्रेम से प्रेम करता आया है, तू सर्वदा से प्रेम करता आया है, तू सदा से मुझसे प्रेम करता आया है। Thank you for your wonderful love, Jesus. Riba shanda la barise, riba shanda kavala barite, riba shanda kavala shanda la ka. Hallelujah. तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी ही आराधना हो यीशु। उसको महिमा दीजिए, उसके जैसा कोई नहीं है।
Lord, we give you honor and praise. You deserve glory. You deserve honor. You deserve our praise. You deserve, Lord, nothing or koi nahi. Say, Prabhu, tu hi yogya hai. Tu hi yogya hai. Hum sari aradhana, sara aadar aur sari mahima aap hi ko dete hai, Pita. Ab humare madhya mein ho, hum aapka dhanyavaad karte hai. Sach mein, Prabhu, aap adbhut ho. आप अद्भुत हो, आप अद्भुत हो, आपके जैसा कोई नहीं है। हम सारा आदर, सारा मान, सारा सम्मान, सारा गौरव और इज्जत प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। आप हमारे मध्य में हो, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम। Amen.